डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन SNS मैथ्स क्लास। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जामिनेशन में ये एग्जैक्टली 10 मार्क्स कवर करता है। यानी हमारे जो प्लस टू 12th का सिलेबस है उसके 10 मार्क्स को ये टॉपिक कवर करता है। What is our syllabus for this? हमारा syllabus mainly क्या है? That is conditional probability. लेकिन before we start reading probability of class 12th, it is better to go through the class 11 book. यानी अगर आप 12th class की conditional probability को इन class 12th की probability को start कर रहे हैं तो अच्छा है कि पहले थोड़ा सा class 11 की probabilities को पढ़ लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को देख लीजिए और ना हो तो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उसको नोट कर लीजिए, देन आप 12th की प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करिए। जो क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है उसका जो फर्स्ट है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड देन वी गो फॉर द एक्सरसाइज। ओके, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? सपोज कीजिए एक बैग है हमारे पास और उस बैग में 5 व्हाइट बॉल एंड देर आर 4 रेड बॉल्स। ये बैग इज देयर जिसमें 5 व्हाइट बॉल है और 4 रेड बॉल्स है। ओके, और अब हम क्या करते हैं, वी आर ड्रॉइंग 2 बॉल्स। व्हाट वी हैव डन, ड्रॉन 2 बॉल्स। हमने उसमें से 2 बॉल्स को ड्रॉ किया, वन आफ्टर वन विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी हमने ड्रॉ कैसा किया है, वन बाय वन एंड देन साथ में विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट। जनरली ना जब आप प्लस टू की बुक्स को कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी पढ़ना, तो आपको महसूस होगा कि जब भी हम किसी बैग में से ड्रॉ करते हैं या कार्ड के डेक में से कार्ड्स को ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ 2 टाइप्स का है। वन इज साइमल्टेनियसली, एक तो क्या होगा कि ड्रॉ लिखा होगा साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि दो उम्मीदा का सपोज 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों बॉल को हमने एक साथ ड्रॉ किया है। दूसरा जो ड्रॉ होगा वो होगा वन बाय वन। अब नाउ वन बाय वन का मतलब हुआ कि सपोज आप 2 बॉल ड्रॉ करने जा रहे हैं तो पहले आपने एक बॉल को ड्रॉ किया एंड देन आपने दूसरी बॉल को ड्रॉ किया। वन बाय वन भी 2 तरह के ड्रॉज होंगे, वन होगा विद रिप्लेसमेंट एंड अनदर वन इज विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इनका मतलब क्या है, सी विद रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ कि आपने जैसे वन बाय वन ड्रॉ करने गए, यू हैव ड्रॉन द फर्स्ट बॉल, सी द कलर और आपने इसको वापस उस बैग में रख दिया है एंड देन सेकेंड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हमने फर्स्ट बॉल को ड्रॉ किया, हमने उसके कलर को नोट किया और उसको बैग के बाहर रख दिया है एंड देन हम सेकेंड अटेम्प्ट करने गए। दैट मीन विद रिप्लेसमेंट में जो नंबर ऑफ बॉल्स है जो पहले जितना था सेकेंड ड्रॉ में भी उतना ही रहेगा, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि जैसे हम सेकेंड बॉल ड्रॉ करने जाएंगे तो उसमें से एक बॉल कम हो जाएगी। ओके, जितने भी क्वेश्चंस आपको बैग में से बॉल ड्रॉ करने से रिलेटेड होगा या एक कार्ड का पैक है उसमें से कार्ड ड्रॉ करने का होगा, उसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि whether the drawn इज साइमल्टेनियस, एक साथ बॉलों को ड्रॉ किया जा रहा है या वन बाय वन ड्रॉ किया जा रहा है। और अगर वो वन बाय वन ड्रॉ किया जा रहा है तब भी हम ध्यान रखेंगे कि वो विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पर वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट कहा गया है। आइए इसमें से 2 इवेंट्स हम लोग लेते हैं, सपोज इवेंट ए एंड इवेंट बी। इवेंट ए हमने लिया है कि ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल, अवर इवेंट इज ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। ओके, और हम बी ले रहे हैं कि रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। ओके, सो मीनिंग नाउ वी हैव डिफाइंड 2 इवेंट्स, हमने 2 इवेंट्स डिफाइन कर लिया है, एक ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ एंड ड्रॉइंग ए रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। अब सपोज कीजिए कि जो अगर हम ये कैलकुलेट करने जाते हैं प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि ड्रॉइंग ए रेड बॉल, नाउ द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग ए रेड बॉल
In second draw, it is known that a white ball is already drawn. A white ball is already drawn. यानी अब क्या कर रहे हैं हम सेकेंड ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं. हम फर्स्ट ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी तो हम सेकेंड ड्रॉ की कर रहे हैं. लेकिन उसमें एक कंडीशन इंपोज हो गया कि पहले से ही एक बॉल को ड्रॉ कर लिया गया है, यानी पहले एक व्हाइट बॉल ड्रॉ कर लिया गया है, तब हम रेड बॉल ड्रॉ कर लिया. सो व्हाट विल बी आवर आंसर, इसमें हमारा आंसर क्या होगा? क्योंकि हम बॉल तो रेड ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो जब हम रेड बॉल ड्रॉ करने गए तो उसमें कितनी बॉलें हैं? बॉल तो उसमें अगेन रेड तो फोर है, लेकिन टोटल कितना है? टोटल उसमें बॉल कितना है? क्योंकि एक व्हाइट बॉल ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है, सो देयर आर 8 टोटल बॉल्स, सो आंसर इज 1/2. ओके, दिस इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. और इसको हम लोग क्या करते हैं, पी, क्योंकि हम रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, सो वी डिनोटेड बाय पी बी बाय ए. दैट मीन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, हमेशा टू ड्रॉज होंगे, एक से ज्यादा ड्रॉ होगा. और उस एक से ज्यादा ड्रॉ में क्या होगा कि हम सेकेंड ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ये कंडीशन लगाते हुए कि ऑलरेडी एक और इवेंट पहले से हो चुका है. सपोज कोई भी सैंपल स्पेस के साथ वी हैव टेकन टू इवेंट्स और वी आर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट. सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन उसमें कंडीशन ये होगा कि ऑलरेडी फर्स्ट इवेंट भी हो चुका है. इसको हम लोग जनरली जब डिफाइन करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, तो हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं पी ए बाई बी से. और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. सिमिलरली इसको अगर हम डेफिनेशन कैलकुलेशन के पर्पज से जो डिफाइन करेंगे, सो हियर आई हैव रिटन थ्री डेफिनेशंस. द फर्स्ट वन, पी ए बाई बी को हम लोग लेके चलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी बी अकर्स, यानी जब बी हो चुका है. और इसी को हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी इज टेकन एज द सैंपल स्पेस. यानी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ए और बी सेट के, उसका सैंपल स्पेस सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते समय बी को सैंपल स्पेस लेना, ए की ए फेवरेबल हो जाएगा, ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और बी को हम लोग सैंपल स्पेस ले लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम इसको डिफाइन और भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं. सो फॉर्मूला क्या यूज कर पाएंगे हम इसके लिए? सी नाउ अगेन, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, जब हम पी ए बाई बी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, पी ए बाई बी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है. सो सिंपली इसका मतलब अगर हम बी को सैंपल स्पेस ले रहे हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. नाउ आई एम अप्लाइंग द सेकेंड डेफिनेशन, और सेकेंड डेफिनेशन में क्या कहा था, सी द सेकेंड डेफिनेशन, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी इज टेकन एज द सैंपल स्पेस. सो इफ वी हैव टेकन बी एज द सैंपल स्पेस, सो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिनोमिनेटर में आएगा. अब हमें न्यूमरेटर को, क्योंकि हम ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं और हमने बी के सैंपल स्पेस को लिया है, इसका मतलब हम ए के सिर्फ उन एलिमेंट्स को लेंगे जो कि बी में मौजूद है, और इस दैट मीन कॉमन है, इसका मतलब ए और बी में कॉमन है. सो हम उसको ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. इसको अगर टोटल सैंपल स्पेस, यानी एक तो फॉर्मूला यही हो गया हमारा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट बी. दूसरा तरीका हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं नंबर, इसको अगर हम टोटल नंबर यानी एन एस से अगर डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट. और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए probability of A intersection B is always equal to probability of A, B has already occurred into PB. तो हम इसको as a formula याद रख सकते हैं. तो एक formula हमारे लिए ये हो गया और एक formula ये हो गया. So with the help of these formula, we can easily solve the problems of conditional probability. हम conditional probability के question को आसानी से solve कर पाएंगे. Suppose इसी formula में आपको A by B की जगह, if you want to write B by A, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो हमेशा आएगा, ध्यान ये रखना है कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसी की प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आएगी. ओके, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ, हमने यहाँ पर एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी.
आप इसके क्वेश्चंस के लिए मेरा सेपरेट वीडियो जो कि आर डी शर्मा की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है कंडीशन रोडिंग की, दैट इज अवर 31.1, सो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अदरवाइज आप जो एनसीईआरटी का जो हमने वीडियो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन का जो वीडियो दिया है उस वीडियो में भी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का वीडियो देख सकते हैं, जहां पर आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। जब आप क्वेश्चंस करेंगे, आप इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट मोर क्लियरिटी देयर। सो डियर फ्रेंड्स, जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो स्टार्ट सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी विद मी, आप मेरे साथ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करिए। एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू सिंपली डिस्कस विद मी, आप मुझे उसको उसके मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।